साबिक पार्लियामानी सेक्रेटरी व सूबाई सदर मुस्लिम लीग काफ हाजी महबूबुल्ला जान बाकी का सुपट वैली का दौरा। दौरा तो मुख्तसर और तफरी मकसद से था, मगर सुपट वालों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी ने दौरे को तवील बना दिया। सरदार शेर खान और दीगर रफका के हमरा बाबूसर से पैदल बरास्ता दूधी बच कुदरत के नजारों से लुत्फानंदोज होते हुए सुपट पहुंचे तो चाहने वालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। जश्न आजादी फेस्टिवल में शिरकत की, जहां पर तहसील चेयरमैन मलिक मोहम्मद इदरीस ने रिवायती शाल पहनाई। दाट के मकाम पर हमालिया टीवी से बात करते हुए कहा, मैं तो ये कहूँगा कि इतने दूर दराज इलाके में 14 अगस्त को इस तरह मनाना ये एक यूनिक एक फैक्टर है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों को मजीद उजागर करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम आगे करने में इनके साथ देंगे। ये जितने हमारे यहाँ पे जो लोकल गेम्स हैं और स्पोर्ट्स हैं, खासकर घोड़ा दौड़ जो है ये, और दूसरा जो लोकल कबड्डी है, कुश्ती लड़ना वगैरह, ये यहाँ के लोकल हमारे सकाफतों में शामिल हैं और हमें चाहिए कि ऐसे रिवायत को हम आगे परवान चढ़ाएं। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बाबूसर साहिब से एक और रास्ता है, मैं उधर से आज तीसरा चौथा दिन है, मैं आज इधर पहुँचा, तो ये अच्छी रिवायत है, मैं इसको प्रमोट करने का कायल हूँ। बिल्कुल ये जो आप फरमा रहे हैं मैं इसको बिल्कुल तायद करता हूँ, इसको सेकंड करता हूँ, बल्कि मैं पहले भी जब मैंने था तो मेरे दिल में एक वो हम एक दिल में नहीं बल्कि असम्बली में मैंने उठाया था कि नारान और कालाम वैली जो है, यानी नारान को हम सुपट वैली के ज़रिए से दासों तक रोड बनाएंगे और खंडिया वैली को अगर हम कालाम टच करते हैं तो कालाम नारान जो है इसको बिल्कुल कोस्टार्ट के सेंटर से हम एक रूट दे सकते हैं टूरिस्ट को। फेस्टिवल के अख्ताम पर वापसी का इरादा किया, मगर मकामी लोगों के पुरजोर असरार पर रुकना पड़ा। मलक मोहिन शाह की दावत पर रुके और सुपट के लोगों से मिलते मिलाते महीन पहुंचे। से कोई हूँ यानी ऐसे आलमी नो रब कोई हूँ, अर्रहमान से रहमान, रहमान मतलब ऐसे आलमी नो मजा हर आलमड़े रिजक दे होन, कोई ची रिजक खा ऐसे जानदार रहे रिजक दी। महीन में मलक मियां गुल, बशीर अल मारूफ कोर और साबिक एमपीए अब्दुल सतार से मिले। हजारों साल नरगिस अपनी जनवरी को रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जमन में दीदवर पैदा, माशाल्लाह। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अल्लाह ताला का खजाना है, अल्लाह ताला की नियामत है, और ये न मिलने वाली ये जो नज़ारे हैं, ये अल्लाह के फजल से एक जमाना ऐसे आएगा कि ये अनएक्सप्लोर्ड जो इलाका है ये इतना एक्सप्लोर हो जाएगा कि हर जगह में हम कहते रहते हैं कि एक ये सुपट पर लिखे गए खूबसूरत अशार को सुरीली आवाज से सुनने के बाद सफरी थकान और सर्द मौसम दुश्वार रास्तों की मुश्किलात मजीद चलने का जज्बा बढ़ा देता था। दूर पीड़े ओ दलाल मेहमे मती चे पे गम रज़वम थल तो ते गम से जे रज़े मोज़ियन पुलुस बिले मुड़े चिमरी शगली तुमी मेरा बाल सलाम से जे रज़े मोज़ियन पुलुस बिले मुड़े चुमरी शगली गे।
महबूबुल्लाह जान ने कहा, सुपट जैसे खूबसूरत सियाती मकाम को दुनिया की नजरों से ओझल रखना निहायत दुख की बात है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो सुपट को आलमी सतह पर एक्सप्लोर करना और यहाँ के लिए बेहतरीन सड़कें बनाना हमारी अवलीन तरजीह होगी। शाहनवाज आदिल, हमालिया टीवी, सुपट।